असलकम स्टूडेंट्स अभी तक हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में टेक्नोलॉजी के यूज़ के हवाले से ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स पर फोकस रखी लेकिन ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी के लिए जिस तरफ देखते हैं और ख़ास तौर पर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो उसका घर सिलिकॉन वैली इस वक्त मैं आपके लिए एक केस स्टडी जो है वो मैंने आपसे शेयर करनी है जो कि सिलिकॉन वैली में एक सोशल एंटरप्रेन्योर की केस स्टडी है जो एक वेब बेस्ड एक तरह से एंटरप्रेन्योर है और उसकी सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो सोशल इम्पेक्ट क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड की गई हैं बेस्ड इन सिलिकॉन यू से आप इमेजिन कर सकते हैं किस कदर हाई टेक ऑर्गेनाइजेशन होगी ये 2000 में ये ऑर्गेनाइजेशन बेनेटेक के नाम से इस्टबलिश होती है और वो अपना उनका जो मोटो है वही सोशल इम्पेक्ट क्रिएट करना है सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है थ्रू इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी चंद प्रोडक्ट्स का मैं ज़िक्र करूंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस तरह से सोशल इम्पेक्ट क्रिएट किया जा सकता है न सिर्फ डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज में बल्कि डेवलप्ड वर्ल्ड में बेनेटिक के एक प्रोडक्ट जो है वो बुक शेयर नाम का एक इंटरनेट लाइब्रेरी है जो कि विजुअली एम्पेयर ब्लाइंड और रीडिंग नीड्स जिन लोगों की होती हैं उनके लिए काम करती है बेनेटिक की ये लाइब्रेरी जो बुक शेयर के नाम से है ये इंटरनेट पर अवेलेबल है इसके मेंबर्स जो ब्लाइंड विजुअली एम्पेयर्ड या रीडिंग डिसबलिटीज़ का शिकार लोग हैं वो बुक्स को लीगली स्कैन कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने लिए फ्यूचर में पढ़ने के लिए ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो दुनिया के एक बहुत बड़ी आबादी जिनकी विजुअल हैंडी हैं और उसकी वजह से वो नहीं पढ़ सकते उसके लिए हेल्पफुल है तो बैनेटेक का जो बुक शेयर इंटरनेट लाइब्रेरी है वो किताबें सारी दुनिया को फ्री फ्राहम करते हैं उनके पब्लिशर्स के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि वो एक फोकस्ड लिमिटेड अवेलेबलिटी होगी जो ख़ास कम्युनिटी स्कूल्स कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ को हासिल होगी ना कि बुक इस तरह से इंटरनेट पर हर किसी को अवेलेबल हो क्योंकि रीसेंट बुक है आखिर ऑथर को भी उसकी रॉयल्टी चाहिए इसी तरह बैनाटिक की एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए से ये एक कैमरा है जो कि विजुअली इम्पेयर या विजुअल डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग और राइटिंग जो है उसको स्कैन करता है और उनको हेल्प करता है लर्निंग में और फॉर्मल एजुकेशन में पैनेटिक की सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मैं सर्विस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कहूँगी वो लैंड माइनस की डिटेक्शन का एक सिस्टम है अफग़ानिस्तान सूडान जिन मुल्कों में बहुत अरसे से जंगें और खाना जंगी हो रही थी वहाँ पे हर फ्रीक ने तकरीबन जब उनको छोड़ना पड़ा इलाका तो लैंड माइंस बिछा दी जो कि अब एक तरह से सिविलाइजेशन के लिए आबादी के लिए नामुमकिन हो गया कि वो वहाँ जाकर दोबारा रह सकें जब तक कि उन एरियाज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता अब हर मुल्क ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और सूडान जैसे मुल्कों के पास ऐसे रिसोर्स नहीं हैं जिनके ज़रिए से वो लैंड माइन्स की क्लियरिंग का काम कर सके बेनेटिक ऐसे मुल्कों ऐसी कम्युनिटीज़ को ऑनलाइन सर्विस देती है इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं जिनके ज़रिए से उन एरिया से लैंड माइन्स को क्लियर किया जा सकता है बेनेटिक का एक सॉफ्टवेयर है मार्टिस के नाम से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को डिटेक्ट करता है उनके बारे में डाटा जमा करता है और उनको फाइट करने के लिए एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस और सपोर्ट फ्राहम करता है मेरे ख्याल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के हवाले से ये एक की सोशल सर्विस है जो कि बेनेटिक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द प्लेसेस द यूएसए में बैठ के फ्राहम कर रही है क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन में खुद इन्वॉल्व होती है ऐसे में एक सॉफ्टवेयर एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो कि दुनिया में कहीं भी इंक्लूडिंग द यू एस एमन रॉइट्स की वायलेशन को ना सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि उनके बारे में डाटा जमा करता है उनको इन्वेस्टिगेट करता है और अगर कोई एजेंसी कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहे तो उन्हें रिसोर्सेज तक एक्सेस देता है इसी तरह बेनेटिक ने कुछ इस किस्म की इंटरनेट सर्विसेज फ़राम की हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्कूल्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो कर सकती हैं फ़्री ऑफ कॉस्ट ये एक ह्यूज सर्विस है खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी का गैप है जो अगर टेक्नोलॉजी लर्निंग का गैप है उसको कम करने के लिए अगर आप अफ्रीका इंडिया या पाकिस्तान के किसी रूरल स्कूल में बैठे हों और आपकी एक्सेस उन प्रोग्राम्स तक हो जो हावर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल होते हैं और उसके लिए आपको कुछ पे ना करना पड़े तो इससे बड़ी सोशल सर्विस और इससे ज़्यादा सोशल इम्पेक्ट दुनिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है सो बनाटे इज़ जस्ट वन एग्ज़ाम्पल डिवेलप वर्ल्ड में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिनका हम अपने पिछले सेशनस में ज़िक्र करते आए हैं लेकिन ये सेशन मैंने बतौर एक रिमाइंडर आपके लिए किया है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ डिप्राइफ कम्यूनिटीज़ को ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है सोशल एंटरप्रनरशिप के हवाले से बल्कि डिवेलप्ड कंट्रीज़ में भी ये एफर्ट्स हो रही हैं और उससे ना सिर्फ होस्ट कंट्रीज बल्कि पूरी दुनिया जो है वो फायदा उठा रही है थैंक यू